और भाई देख सकते हो पानी में उबाल आ गया है काफी जल्दी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल राम जी में। और दो दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि भाई मैं अपने मम्मी के संग शॉपिंग कर रहा था। और ये प्रेस्टीज का इंडक्शन 16 प्लस मैंने अपने मम्मी को गिफ्ट किया था। वरदान आप लोगों को कैसा लगा? हाँ भाई, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग चल रहे हैं। और इसका जो प्राइस है, बॉक्स प्राइस लिखा रहता है ऑलमोस्ट 3500 रुपये का पड़ता है, बट ये उतना नहीं है एक्चुअली। आपको फ्लिपकार्ट पे जो है, मैं फ्लिपकार्ट से इसको मंगाया, तो वहाँ पर आपको टोटल मुझे पड़ा 2145 रुपीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बेस्ट बाय लिंक आपको दे दूंगा नीचे, आप चाहें तो जाके ले सकते हो। एंड भाई कम स्टार्ट हो गया था, मम्मी को कुछ ना गिफ्ट देना था, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, क्योंकि कपड़े का भाई उनको बिल्कुल शौक है, लेकिन वो खुद का पैसे से लेना लेती है उनको, वो लाइक उनको गिफ्ट में कपड़े पसंद नहीं है। तो सब इंसान अपने अपने तरीके होते हैं, तो उनको ज़्यादातर खाना बनाना पसंद है, तो मैंने प्रेस्टेज कर दिया। आप बताना ये डिसीजन कैसा लगा आपको मेरा। यस, तो ये भाई ये एक मतलब कि यूज़र मैनुअल भी है, साथ ही साथ एक वारंटी कार्ड भी है, इसमें सारे डिटेल्स लिखे गए हैं कि कैसे क्या यूज़ करना है। तो और एक बात, मैं इस बात को बोलने में शर्माता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे घर में पहला इंडक्शन है। यस, क्योंकि इससे पहले मेरे गांव में है, बट उतना गांव में नहीं रहता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ ज़्यादातर शहर में। तो यहाँ पर जो है मैं इसको यूज़ करता हूँ। काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स एंड बटन्स दिए गए हैं, अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ फूड बनाने के लिए, प्लस माइनस का बटन एंड डिजिटल एक दिया गया है। तो इसको मैं आगे यूज़ करके बताऊँगा अभी इस वीडियो में लाइव डेमो करके, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा छोटा सा क्लिप। तो भाई ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, सर्फेस भी काफ़ी चिकना, और भाई काम भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। और प्रेस्टीज का सामान भाई लेने का मतलब है कि इतना तो श्योर है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और ना और अगर प्रॉब्लम होता भी तो फ्लिपकार्ट आपको 7 डेज का रिटर्न या फिर रिप्लेसमेंट पॉलिसी देता है, जिसके कारण आप आराम से रिप्लेस कर सकते हो। तो 6 दिन तो रगड़ के हम यूज़ करने बोलेंगे तो मम्मी को, क्योंकि अगर प्रॉब्लम निकले तो भाई बस जल्दी से जल्दी रिप्लेस हो जाए। और पीछे की तरफ वाय फैन दिया गया है, और ये तो नॉर्मली सारे होते हैं, एंड पीछे का जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब कि देखो उतना ये भारी नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे जो लगता है ना, इसका जो वेट है काफ़ी सही है, इसको संभाला जा सकता है, उतना भी ये नहीं है लाइट वेट। मुझे लगता है जिस हिसाब से मुझे लग रहा था भारी होगा, उतना तो भारी है नहीं। और बटन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, सब सॉफ्ट हैं और काफ़ी ईगो फ्रेंडली है। तो चलिए इसको चलते हैं, आपको लेकर सीधा डेमो दिखाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं भाई, मैंने प्लग कनेक्ट कर दिया है, एंड भाई मैंने स्विच भी ऑन कर दिया है, और बगल में जो है मेरा ये फ्रिज है, तो फ्रिज के बगल में मैंने रखा, मैंने बस टेस्टिंग के लिए इसको रखा है, जैसे तैसे जुगाड़ लगाया, क्योंकि इसका जो वायर है ना मुझे बहुत छोटा लगा। यस, वायर मुझे बहुत छोटा लगा, थोड़ा और लंबा देते तो अच्छा रहता, 4-5 मीटर का वायर होना चाहिए था। तो इसको ऑन करते ही भाई बीप का साउंड आता है, एंड यहाँ पर जो है कोई भी फ्लैट सरफेस का मतलब कि यूटेंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा कटोरा ही ले लिया पानी में, उतना हड़िया बर्तन तो दिखाएंगे नहीं आपको, ये मुझे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा। तो फिलहाल मैं इसी को रखते हैं साइड में यहाँ इस पर। और इंडक्शन का मुझे एक बात अच्छा क्या लगता है ना, कि जब तक कोई बर्तन वगैरह अगर आप लोग नहीं रखते इंडक्शन के ऊपर, तब तक ये ऑन ही नहीं होता, मतलब ऑन होने के बाद भी ये काम नहीं करेगा। ये सबसे अच्छा लगा बच्चों के लिए, मतलब सेफ्टी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई, कीप वार्म हमने कर दिया, आप देखते हैं कितना देर में थोड़ा सा पानी गर्म होता है, धुआं तो आ रहा है। यस, भाप आना स्टार्ट हो गया, और भाई देख सकते हो पानी में उबाल आ गया है काफ़ी जल्दी, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि मुझे पता है इतना शौक होने की ज़रूरत तो नहीं है। तो हाँ, मुझे देखो ये ना इंडक्शन काफ़ी पसंद आया, और इसको जो है ना जितने भी बटन दबाओगे सब में बीप साउंड आता है, और बीप साउंड मैं सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि सुबह के वक्त मैं आपको टेस्टिंग कर रहा हूँ। यस, और उस वक्त मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा गाने बजाने हो रहे थे, तो अगर सुन लोगे तो भाई आप लोगों को क्या चल रहा है, डिस्को विस्को है क्या, तो कॉपीराइट का भी डर, इसलिए मैंने नहीं लगा सकता हूँ बीप साउंड, बट समझ लो हर बटन दबाने पर बीप साउंड ही आता है। और यहाँ पर काफ़ी अलग अलग बटन्स भी दिए गए हैं, डीप फ्राई करी, डोसा चपाती, प्रेशर कुकर, और भी बहुत कुछ। अगर आप मेरी मानोगे तो हाँ, आप इसके लिए जा सकते हो। मैंने इसको 1900 वॉट का लिया है। यस, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रिक मिस्त्री है जो बनाया है बोर्ड, उसने बोला भाई 2000 वॉट के ऊपर मत लेना, तो मैंने उससे पूछ के लिया भाई, सलाह ले लिया था, 1900 वॉट का है, वरना और मैं ज़्यादा लेता बढ़िया वाला, एक और मुझे देखा था, बट मुझे यही पसंद आया, बजट में भी था मेरे, तो हाँ मुझे सही लगा। तो गाइस बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा रहा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और बताना आपको कैसा लगा, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।